हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ड्राई फ्रूट्स चिक्की की रेसिपी। इन ड्राई फ्रूट्स चिक्की को हम बिना शक्कर और बिना गुड़ के बनाएंगे और हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं खजूर। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। डेट्स ड्राई फ्रूट चिक्की बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है आलमंड और इन्हें हमें इस तरह से कट कर लेना है। आप चाहें तो इन्हें छोटा छोटा पीस में भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इन्हें खड़ा ही रखा है क्योंकि चिक्की में ये जब दिखते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। और काजू को भी मैंने इस तरह से तोड़ लिया है। साथ ही यहाँ पर मैंने लिया है पिस्ता और उसे भी छोटा छोटा कट कर लिया है। और यहाँ पर मैंने लिए हैं सीड्स में मैंने यहाँ पर लिए हैं पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स एंड वाटरमेलन सीड्स। आप चाहें तो और भी सीड्स इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे अगर आप तिल ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पैकेट डेट्स यूज़ किया है और ये थोड़ी सी जूसी हैं, तो इसमें सीड्स हैं। आप चाहें तो जो सीडलेस डेट्स होती हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको उसे एक बार चेक ज़रूर करना होगा क्योंकि समटाइम्स उसमें भी सीड्स निकल जाते हैं। यहाँ पर मैंने इसमें से सीड्स निकाल कर और इसे कुछ इस तरह से बारीक बारीक कट कर लिया है। अब सबसे पहले हम एक गर्म कढ़ाई में ऐड करेंगे घी और जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं, जैसे बादाम, काजू, पिस्ता, ये सब हम धीमी आंच पर इसमें रोस्ट कर लेंगे। आप चाहें तो इन्हें ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप इसे थोड़ा सा घी में ऐड करके और थोड़ा सा सॉटे करेंगे तो जो क्रंच है ड्राई फ्रूट्स का वो और भी अच्छा लगेगा चिक्की में। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे बादाम और जैसे ही बादाम थोड़े से सॉटे हो जाएंगे फिर हम इसमें ऐड करेंगे काजू, फिर पिस्ता और सारे सीड्स, और सबको अच्छे से घी में रोस्ट कर लेने के बाद हम इसे एक प्लेट में अलग से निकाल लेंगे। अब इस सेम पैन में ही हम एक टेबलस्पून घी अगेन ऐड करके जो हमारे डेट्स हमने छोटे छोटे साइज में कट करके रखा है, या फिर आप इसे मिक्सर ग्राइंड भी कर सकते हैं, उसे हम इस गर्म कढ़ाई में ऐड कर देंगे। अभी इसे हम सॉफ्टन होने तक पकाएंगे और इस प्रोसेस में लगभग आपको 5 से 7 मिनट आराम से लग जाएंगे। हमें इसे कंटिन्यूस चलाते हुए पका लेना है ताकि जो डेट्स हैं वो नीचे से कढ़ाई में चिपके ना, और अच्छे से प्रेस करते हुए ताकि जो डेट्स हैं वो एक जैसी ही अच्छे से पके। देखिए, मैं आपको जूम करके बताती हूँ कि अभी जो डेट्स हैं वो थोड़ी सी हार्ड हैं, लेकिन जैसे जैसे हम इसे पकाएंगे वैसे वैसे ये थोड़ी सी सॉफ्टन होती जाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमें इस तरह से इसे चलाते हुए पका लेना है। जैसे जैसे ये और सॉफ्ट होगी ये पैन को छोड़ना शुरू कर देगी। जब ये कम्प्लीटली पक जाएगी तो ये एक डो के फॉर्म में हो जाएगा। बस वही स्टेज है, उस स्टेज पर ही हमें गैस को बंद कर देना है। जिस प्लेट पर हम इस चिक्की को कट करने वाले हैं उसे अच्छे से ऑयल या घी से ग्रीस कर लीजिए। साथ ही हम थोड़े से पॉपी सीड्स को भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे क्योंकि इसका टेस्ट भी चिक्की में बहुत अच्छा आता है। आप चाहे तो जो डेजिग्नेटेड कोकोनट पाउडर होता है वो भी इस तरह से ड्राई रोस्ट करके ऐड करेंगे तो उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर मैंने इस ग्रीस प्लेट पर थोड़ा सा पॉपी सीड्स, थोड़े से ड्राई डेजिग्नेटेड कोकोनट पाउडर और थोड़ा सा सीड्स और ड्राई फ्रूट्स के स्प्रिंकल कर दिए हैं। अब हम जो रोस्टेड पॉपी सीड्स हैं और ड्राई डेजिग्नेटेड कोकोनट पाउडर है वो हम इस डेट्स के मिक्सचर में डाल देंगे। ये दोनों ही चीज़ें ऑप्शनल हैं, आपको अगर ऐड करना है तो करें, वरना अगर आप ना भी ऐड करेंगे तो भी चिक्की का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा कार्डमम पाउडर भी है, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और जो हमने अभी घी में सारे ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट किया था वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम गैस की फ्लेम जो है वो टर्न ऑन करके और इसे स्लोली स्लोली ताकि सब एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। अब बस गैस की फ्लेम बंद करके इन्हें अच्छे से एक दूसरे के साथ मिक्स कर लेंगे और एक डो कंसिस्टेंसी में ये आ जाएंगे। फिर हम इसे जो ग्रीस करी हुई प्लेट है उसमें निकाल लेंगे।
देखिए किस तरह से हमारा मिक्सचर बनकर रेडी हो गया है। और आप चाहें तो इसे लड्डू का फॉर्म भी दे सकते हैं, लेकिन मैं जनरली चिक्की बनाना ही प्रिफर करती हूँ। अगर आपको लड्डू बनाना है तो इसी स्टेज पर आपके हाथों को थोड़ा सा घी लगाकर और जितना हॉट आप होल्ड कर सकते हैं, आप लड्डू का फॉर्म भी इसमें बना सकते हैं। अभी ये जो डेट्स और ड्राई फ्रूट्स का प्रिपेयर्ड मिक्सचर है, इसे हम ये ग्रीस प्लेट पर ले लेंगे और एक फ्लैट सरफेस वाली कटोरी ले सकते हैं। आपके पास स्पैचुला हो तो आप वो ले सकते हैं और उसे इस तरीके से इवनली इस प्लेट पर अच्छे से फैला देंगे ताकि जो हमारी चिक्कीज हैं वो एक अच्छे सी फ्लैट फॉर्म में टर्न आउट हो। इसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा जो हमारे पास ड्राई फ्रूट्स कट करते वक्त थोड़ा सा उसका पाउडर बचा था वो हम ऐड कर देंगे। थोड़े से हम इस पर पिस्ताचो और जो सीड्स हैं वो स्प्रिंकल कर देंगे और थोड़ा सा पॉपी सीड्स भी स्प्रिंकल कर देंगे, जिससे जो हमारी चिक्की है वो बहुत ही सुंदर दिखेगी। अब आप इसे रेफ्रिजरेट कर सकते हैं 1 घंटे के लिए, या फिर आप इसे डायरेक्टली कट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, या बाहर रूम टेम्परेचर पर भी ये ठंडा हो जाएगा। और फिर हमें इसे स्मॉल पीसेस में कट कर लेना है। आप चाहें आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग इसके स्लाइस कर सकते हैं। अगर आपको प्रोटीन बार जैसा बिग साइज चाहिए तो आप उस हिसाब से भी इसे कट कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी हमारी जो ड्राई फ्रूट्स एंड डेट्स चिक्की है, खजूर पाक भी आप इसे बोल सकते हैं, वो बनकर रेडी है। आप इसे व्रत में खा सकते हैं, आप इसे फेस्टिवल्स में बना सकते हैं, और आप चाहें तो आपकी जो शुगर क्रेविंग्स है उसे स्टॉप करने के लिए भी ऐड कर सकते हैं। ये जो चिक्की है इन्हें आप एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करें, और इसे अगर आप फ्रीज में रखेंगे तो ये 3 महीने तक इसे कुछ भी नहीं होगा, और ये सुपर डिलीशियस यम्मी हमारी चिक्कीज बन के रेडी हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड बाय एंड टेक केयर।